नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:12 के करीब हो जाएगी और दोपहर 1:49 पर यह समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य हुआ। सूतक काल की शुरुआत 20 जून की रात यानी कि कल रात 10:17 पर शुरू हो चुकी है। ज्योतिष अनुसार ये ग्रहण काफ़ी प्रभावशाली माना जा रहा है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समय ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना। ग्रहण के दौरान 6 ग्रह बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु वक्री अवस्था में होंगे। भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, एथोपिया और कांगो में ये दिखाई देगा। भारत में देहरादून, सिरसा और टिहरी कुछ ऐसे प्रसिद्ध शहर हैं जहां वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इस दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इसे देखने के लिए टेलीस्कोप या सोलर फिल्टर चश्मे का उपयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना। ग्रहण से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए। ग्रहण काल में प्रभु का स्मरण करते हुए पूजा, जप, दान आदि धार्मिक कार्य करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर लें और पूजा स्थल को भी साफ कर गंगा जल का छिड़काव करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।